हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। अगर आप सपनों की नगरी मुंबई शहर में घूमने के लिए सोच रहे हैं तो रूम लेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आसानी से मुंबई शहर में रूम नहीं मिलता है। अगर आप हज या उमरा करने के लिए हाजियों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। रूम कैसे लें, कितने में मिलेगा, तो आज मैं आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको ओल्ड मुंबई में, जहां बहुत बड़े मार्केट भी है और आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। अभी हम निकले हैं मस्जिद रेलवे स्टेशन से, तो मस्जिद रेलवे स्टेशन से मुंबई का मेन रेलवे स्टेशन CST रेलवे स्टेशन भी पास में पड़ता है और क्रॉफिट मार्केट भी लगा हुआ है और हज हाउस भी लगा हुआ है। अभी आपको लास्ट में हज हाउस भी दिखाने वाले। तो ये देखिए, मस्जिद रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आप साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाने में जा सकते हैं। अगर आपकी कोई पहचान का है या रिलेशन का है तो उनसे कॉल करके पहले से आप बुक करवा लीजिए। जैसे ग्रुप में रहते हैं तो लगभग 10 लोगों का किराया जो है 100 रुपये के आसपास पड़ता है, वो भी कितने दिन का, हफ्ते भर के लिए, 5 दिन के लिए। और फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाने में, तो वहाँ आप आसानी से रुक सकते हैं। ये देखिए, ये जो मार्केट है ये क्रॉफिट मार्केट है। क्रॉफिट मार्केट में आपको हर आइटम बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है, लेकिन मुंबई वासी रेट बहुत ज़्यादा बताते हैं। आप जब भी जाएँ तो मोल भाव जरूर करें। ये देखिए, अभी सुबह का नजारा है, साबू सिद्दीकी मुसाफिर का नाम आपको सामने से दिख रहा है। इस तरह से आप यहाँ टोपी, रुमाल, चादर वगैरह, कुर्ता, पैजामा, हर चीज जो है आपको होलसेल और रिटेल प्राइस में मुसाफिर खाना साबू सिद्दीकी के पास मिल जाता है। तो अभी ये सुबह का माहौल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाने के पास ही मछली मार्केट है, जो कि बहुत बड़ा मछली मार्केट है। और यहाँ पास में ही बहुत सारे रुकने के लिए होटल है। खाने पीने के लिए बहुत सस्ते रेट में बिरयानी मिल जाती है, 50 रुपये 70 रुपये है आप। और साबू सिद्दीकी का खुद का एक होटल है जहाँ आप खाना खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है सजावट हुई है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए सफा मरवा और मदीना शरीफ, काबा शरीफ की तस्वीर जो है बनाई गई। ये लिफ्ट है जहाँ से आप ऊपर जाते हैं, तो 3-4 मंजिलों में जो है डिवाइड है। इसके बाजू में जो ऑफिस है, ये पहला फ्लोर है जहाँ हम लोग रुके थे, तो यहाँ आप रुक सकते हैं। और बहुत अच्छा क्लीन रहता है। और बाजू से जो है मस्जिद है, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और इसको यहाँ जो है मदरसा भी चालू होता है। आप देखिए, इसके बाद जो है हज हाउस है, तो हज हाउस के पास जो है, हज हाउस में भी रुकने का इंतज़ाम रहता है, लेकिन वो हाजियों के लिए और जो उमरा करने के लिए जाते हैं उनके लिए रहता है। और आपकी जानकारी की बता दूँ, हज हाउस के अंदर ATM भी है। तो इसी रास्ते में जो है क्रॉफिट मार्केट का जो मछली मार्केट वो पड़ता है, और मनीष मोबाइल मार्केट पड़ता है। इस तरह से आप बहुत ही सस्ते प्राइस में आप साबू सिद्दीकी में